नमस्कार, मेरा नाम निखिल तिवारी है डिवाइन म्यूजिक स्कूल से। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे लेसन्स हैं वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। पहले भी मैं बोल चुका हूँ, जो भी लेसन्स है कम से कम उसको मिनिमम 7 दिन देना चाहिए एक लेसन को। काफ़ी लेसन हमारे बन चुके हैं, 22 लेसन्स तक अभी आ चुके हैं और इम्पॉर्टेंट फ्लूट जो टॉपिक्स हैं वो भी अलग एक प्लेलिस्ट बनी है, तो आप उसको भी चेक कीजिएगा। वो इंटरमीडिएट और एडवांस लर्नर के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। बाकी अभी हम जो 23 लेसन्स में आएंगे, इसमें क्या होता है, थोड़ा जंप नोट्स भी अच्छे हो जाते हैं और आपको पार्ट टू सा, लोअर पार्ट टू हाई सा तक, जो सके वहाँ तक करनी है एक्सरसाइज। इसके बाद हम हाई नोट में आएंगे, कहाँ तक हाई नोट बजते हैं, लास्ट हमारा पा कंफर्टेबल इसमें फ्लूट में बजता है तो वहाँ तक हम सीखेंगे और कैसे इसमें सॉफ्टनेस लाए, वो से तरीके हम लोग अगली या 2-3 वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे। अभी ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी अच्छी इसलिए है क्योंकि आपको जंप करना भी होगा और मल्टीपल टाइम करनी पड़ेगी, तभी इसका आपको असर मिलेगा। नहीं तो अगर आप मल्टीपल टाइम नहीं करेंगे तो इसका एकदम आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। वैसे कोई भी एक्सरसाइज को आप एक बार करेंगे तो रिजल्ट तो कभी नहीं मिलेगा, पर इसको तो करना ही, हमने आपको अपनी सांस के, जितनी आपकी सांस है उतना आपको टाइमिंग रखना है इस एक्सरसाइज का। सिंपल एक्सरसाइज है पर बहुत इफेक्टिव है। आपको क्या करना है, पाधा नी सा मिनिमम 4 बार, सा नी धा पा सा नी धा पा सा नी धा पा सा नी धा पा धा नी सा रे धा नी सा रे धा नी सा रे धा नी सा रे रे सा नी धा रे सा नी धा रे सा नी धा नी सा रे गा नी सा रे गा नी सा रे गा नी सा रे गा गा रे सा नी गा रे सा नी गा रे सा नी सा रे गा मा, ये टफ होने वाला है, इसको ज़्यादा कीजिएगा। पा मा गा रे, फिर गा मा पा धा गा मा शुद्ध भी कर सकते हैं या तीव्र भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं आप, जहाँ पर आपको जिसमें डिफ़िकल्टी हो वो ज़्यादा बार करें। फिर पाधा नी सा, फिर लास्ट सा नी धा पा, फिर उल्टा आना है, सा नी धा पा, पाधा नी सा, नी धा पा मा। अब आपको खुद बनाने की आदत आ जाएगी, एक एक 3 सुर लेने, पाधा नी सा ये कंप्लीट करके वापस आना है, फिर आप एक ऊपर चले जाएंगे, फिर नी में चले जाएंगे, फिर सा में चले जाएंगे, यही आपको रिपीट करना है। तो इसको करेंगे कैसे, बहुत तेज मत कीजिएगा, आसानी से कीजिएगा और हाथ को ज़्यादा मत उठाइएगा, कम से कम 50% बस इतना मत उठाइएगा, नहीं तो ये दिक्कत होगी आपको इसमें, क्योंकि इसमें जंप है सा से एकदम पा। नीचे आ गए तो ये पलटे आप खुद बनाइए, आदत डालेंगे तो बना भी पाएंगे। अगर अभी आपने सोचा कि सबके पलटे आपको लिख दिए जाएँ तो कब तक लिखेंगे, ये सोचिए आप। आपके ब्रेन में जब एक पलटा आ गया तो अपना बनता रहेगा। ये 3 लिए ना, पाधा नी सा 400 लिए, फिर धा से आप 400 लेना, फिर नी से आप 400 लेना और फिर वापस भी आना है, जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ वापस आना है, फिर आगे बढ़ के, फिर वहाँ से स्टार्ट किया वहीं वापस आना है, फिर आगे बढ़ गए, है ना। एक तो ये आपने प्रैक्टिस कर ली, फिर इसमें टंग का अभ्यास कीजिए। टंग का मैंने अलग से चैप्टर बनाया है, वो अगर आप देखेंगे तो उसमें
टंग को आपने एक एक बार स्ट्रोक करना है अकॉर्डिंग टू द ये आपका जो पलटा जो बजा रहे हैं, एक नोट में एक टंग भी आना चाहिए हर नोट में। ठीक है, तो आप ऐसे कीजिए। अगर ऐसे करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपकी टंग की भी प्रैक्टिस हो रही है, फ्लू भी आ रहा है, जंप की भी प्रैक्टिस हो रही है, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। और इसमें आपका क्या कहते हैं, जब हम नीचे जाएंगे ना तो आपका हाथ सही जगह सुर में पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जब सुर बजाते हैं तो नीचे आने में उनको पानी बजता है सही से, तो पा बजने वाली प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। स्पीड बढ़ानी, दो दो बार कीजिए। तो इसी को 7 दिन अगर करा जाए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा, जो होना चाहिए। और हर लेसन को मैंने बताया कम से कम 7 दिन कीजिए मिनिमम, मैक्सिमम आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर 7 दिन के बाद भी इफ़ेक्ट नहीं आया तो आप ज़्यादा करें। हर बार आप वीडियो देख के, हर वीडियो को देख के अगले अगले दिन कीजिएगा तो नहीं होगा। और काफ़ी लोग का फ़ोन आता है तो कहते हैं सर ये गलती हो रही है, जब तक आप या तो कोई टीचर से लगाइए, क्योंकि सबकी गलतियाँ अलग अलग होती हैं। अगर मैं आपको उस हिसाब से बता दूँ, खाली बिना देखे आपको बता दूँ तो वो सही नहीं होगा। इसलिए या तो अपने पास में कहीं क्लास लगा लीजिए या हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए, है ना, जहाँ आप उस सेटिंग। तो आप अगर फ़ोन में पूछेंगे सर मुझे सा नहीं आ रहा, रे नहीं आ रहा, तो वो हम नहीं बताएं किस कारण नहीं आ रहा, वो कारण पता होना चाहिए, है ना, वो देख के आएगा। तो ये सब चीज़ों के लिए फ़ोन में इसको हम ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर पाएंगे ऐसी क्वेरी। हाँ, जो क्वेरी जेन्युइन होती है वो मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ। बाकी अभी एक क्वेरी थी कि हमारी जो फ्लूट बजाने की क्या सीमाएं हैं, वो उसमें एक बताऊंगा क्या क्या कर सकते हैं फ्लूट में, और क्या क्या और डेवलप हो सकता है, क्या क्या अभी तक हुआ है, इसके लिए एक अलग सा वीडियो बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इसको काफ़ी बार प्रैक्टिस कीजिए, स्पीड भी बढ़ेगी, जंप नोट्स भी आएंगे, फ्लो भी बढ़ेगा, काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है। पर इसको आपको लोअर पा से हाई सा तक करना है, और जिनको हाई पा तक आता है वो हाई पा तक भी कर सकते हैं। तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और पहले आप लॉन्ग नोट्स करें, सरगम करें, फिर इस एक्सरसाइज को करें। लॉन्ग नोट सरगम आपका रोज ही का होना चाहिए प्रैक्टिस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ फ़ायदा पहुँचाएगा। आगे के लिए और वीडियो बनाते रहेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।